व्हाट्सअप गई जा चुके एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। एंड आज के वीडियो में आप लोग को सिखाने वाले कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग। एंड आज से मैं पहले आप लोग को यूट्यूब चैनल पे कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ हाई क्वालिटी एडिटिंग नहीं सिखाए होंगे। जैसे कि देख लीजिए, जो भी मैं फेस को स्मूथ किया हूँ ना, कुछ अलग तरीके से किया हूँ। जैसे कि हमारा नाक देखिए, एंड आई देख लीजिए, एंड हम लोग का ओठ देख लीजिए, एंड हम लोग का गाल देख लीजिए। तो बहुत ही हाई क्वालिटी आज का फेस स्मूथ वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आपने वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर। एंड आज आप लोग को न्यू ट्रिक के बारे में बताने वाले, जो मैं अपना पर्सनल फेस स्मूथ करता हूँ सेम वही बताऊंगा। सिंपली गाइस आप लोग को आ जाना होगा टूल्स वाला आइकन पे। एंड यहाँ से आप लोग को ना एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड सिंपली आप लोग देखिए, बीच में होगा सेचुरेशन। सिंपली आप लोग सेचुरेशन को 100 माइनस कर देना होगा। एंड ऊपर इरेजर ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना होगा आप लोग को। एंड यहाँ से आप लोग को बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना होगा। देन गाइस जैसे आप लोग बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का बैकग्राउंड हो जाएगा। एंड आप लोग देखिए हेयर पे आ चुका है ग्रीन, एंड हम लोग के फेस के ऊपर आ चुका है। तो उसको आप लोग बताएंगे कैसे आप लोग को रिमूव करना है, पूरा प्रोसेस बताने वाला आज की इस वीडियो में। गाइस इतना करना, सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करने में देख लीजिए, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना, फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड टूल्स वाला आइकन पे आने में सिंपल आप लोग देखिए इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने में सिंपल आप लोग इसको जीरो कर देना होगा। एंड सिंपल आप लोग सेचुरेशन वाला ऑप्शन को जीरो कर देना होगा। एंड गाइस जीरो करने में सिंपल यहां से आप लोग को डन कर लेना होगा। एंड गाइस डन करने में सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा। एंड देख लीजिए, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो गया ना। तो आप लोग सोचते होंगे आदेश भाई, आपका तो फेस बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। तो मेरी जान, बहुत ही अच्छे से आपको आज सिखाने वाले हैं। देख लीजिए, आप लोग फिर से दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। एंड गाइस इतना करना, सिंपल आप लोग डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों, फोटो सेव करने बाद सिंपली आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड यहाँ से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड सिंपली आप लोग को कुछ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आप लोग को सेलेक्टिव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड जो भी आप लोग के फेस के ऊपर ज्यादा ब्लैक होगा तो थोड़ा सा हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। एंड यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना, फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड गाइस टूल्स वाला आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग डिटेल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इसका देखिए स्ट्रक्चर आप लोग को 100 कुछ इस तरीके से, 100 नहीं करना है, 56 माइनस कर देना होगा, ठीक है। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कीजिएगा, तो 47 माइनस कर देना, सॉरी मेरी जान, ठीक है। एंड यहाँ से शार्पनिंग को आप लोग को 100 प्लस कर लेना होगा। एंड गाइस इतना करना, सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर लेना होगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना, फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा, देखिए ट्यून वेजल ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने बाद सिंपल आपको थोड़ा सा एम्बियंस को बढ़ा लेना होगा। थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो +14 बढ़ा दे रहे हैं। एंड यहाँ से आप लोग हाईलाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना होगा, तो 48 माइनस कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से शेडो को आप लोग को थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा, तो 20 माइनस कर देना, ठीक है, 20। एंड यहाँ से आप लोग को सिचुएशन को थोड़ा सा कम कर लेना होगा, तो 22 माइनस कर देना है। एंड यहाँ से कंट्रास्ट को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा, तो +29 कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा आप लोग को कम कर लेना होगा, तो -10 कर दे रहे हैं। एंड गाइस इतना करना, सिंपल यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने में फिर से आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा। एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस सेलेक्टिव पे क्लिक करने बाद सिंपली देखिए, जो हम लोग का गर्दन होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है, तो यहाँ इसको हम लोग ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। एंड गाइस इतना करना, सिंपल यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने में सिंपल आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड सिंपली आप लोग देखिएगा, अच्छे से फोकस करना होगा यहाँ से सेटिंग, ठीक है, जो भी लाइट रूम एप्लीकेशन का होता है, तभी आप लोग फेस व्हाइट करना सीख पाएंगे। तो सिंपली आप लोग को आ जाना होगा कलर वाला ऑप्शन पे। एंड सिंपली का इसका सिचुएशन थोड़ा सा आप लोग को माइनस कर लेना होगा, तो 14 माइनस कर दे रहे हैं। एंड यहाँ से देखिए टिंट होगा, TINT, सिंपली आप इसको बढ़ा लीजिएगा, 8 बढ़ा लीजिएगा। एंड गाइस इतना करना, फिर से आप लोग को मिक्स वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड येलो टोन पे क्लिक कर देंगे, इसका ह्यू आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा। एंड इसका सिचुएशन भी आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा। फिर से आप लोग ग्रीन वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा, इसका भी सिचुएशन आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा। एंड इसका ह्यू ना आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। एंड गाइस इतना करना, फिर से आप लोग को इस ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सिचुएशन आप लोग को 39 कर देना है, ठीक है, माइनस। एंड यहाँ से इसका लुमिनस को बढ़ा लेना होगा, आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। एंड गाइस इतना करना, फिर से आप लोग को इस ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका भी लुमिनस आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। फिर से आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाइएगा। एंड इसका भी सिचुएशन आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। फिर से आप लोग को यहाँ से डन कर लेना होगा। डन करना, सिंपल आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाएंगे।
एंड ऊपर देखिए प्लस वाला आइकन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे ब्रश पे एंड छोटा सा बिंदु होगा उस पर क्लिक करके सिर्फ आप लोग अपने होंठ के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा एंड यहाँ से मिक्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड थोड़ा सा आप लोग अपने होंठ को लाल कर लीजिएगा एंड गाइस इतना करना सिंपल यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करने सिंपल आप लोग को इधर आ जाना होगा डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, नॉइज डिटेक्शन को 100 कर देंगे एंड डिटेल्स को 100 कर देंगे एंड कंट्रास्ट को आप लोग को 100 कर देना होगा एंड नॉइज डिटेक्शन को आप लोग को 100 कर देना होगा एंड डिटेल्स को भी एंड स्मूथनेस को भी, ठीक है। एंड इसको आप लोग को 100 सॉरी फिर रखना होगा एंड फिर से आप लोग को इस ऑप्शन पे आ जाना होगा, इन दोनों ऑप्शन को आप लोग को ऑन कर देना होगा, ठीक है। सो भाई लोग हम लोग अपने फोटो को एडिट कर चुके हैं लाइट एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपल आप शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। सो भाई लोग फोटो सेव करना सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क की स्केचबुक के अंदर एंड गाइस शेयर करना सिंपली देखिएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो सिंपल आपको देखिए इस ऑप्शन पे क्लिक करके डिस्टॉर्ब कर देना होगा एंड फिर से आप लोग जो फोटो को शेयर किए होंगे उस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर एंड देखिएगा कितना अच्छे से आप लोग को समझाने वाले हैं फेस स्मूथ, ठीक है। सिंपल आपको ब्रश वाला आइकन पे आ जाना होगा, पेंसिल आइकन पे सॉरी एंड यहाँ से स्मूथ सेकंड नंबर, ठीक है। एंड सेटिंग देख लीजिए, फालो को 23 स्टैंड को 29 रखिएगा एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा एंड फोटो को जूम कर लेंगे, ठीक है। इससे बहुत हार्ड ब्रश है, ठीक है, ये वाला हार्ड बहुत ज़्यादा ब्रश है क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग का फेस ब्लैक होगा ना, अगर पिंपल्स भी होगा तो इस ब्रश को आप लोग यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से एक लेवल में स्मूथ होता है इस ब्रश को यूज करके। सिंपली देखिए यहाँ से साइज को हम बड़ा कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को सर्कल करना होगा। देन गाइस जैसे आप लोग सर्कल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस वन क्लिक में, यानी मतलब कि जब आप लोग करेंगे तभी आप लोग का फेस स्मूथ होगा। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छे तरीके से एक ही लेवल में हम लोग का फेस स्मूथ हो रहा है। अगर मान लीजिए देखिए कहीं भी ब्लैक होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक है, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे ब्रश चलाना है, थोड़ा सा साइज को कम कर लेना होगा। एंड देखिए यहाँ पे ब्लैक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके से ना ऊपर के साइड ले करके जाइएगा, इधर आप लोग को खींच करके स्मूथ करना है, ठीक है। देखिए ये वाला ब्लैक है ना यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से खींचेंगे तो आप लोग का फेस एक लेवल में स्मूथ होना चालू हो जाएगा। तो आशा करते फिर वीडियो बड़ा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नएगा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग से वीडियो डालता आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप लोगों को फुल ट्यूटोरियल देखना है फेस स्मूथ का तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूं, जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग भी मेरे जैसा फेस स्मूथ हाई क्वालिटी एडिटिंग सीख जाएंगे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल एचडी एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।